लाइना के साथ। ओके, गुड मॉर्निंग क्लास। यस्टरडे वी हैव कंप्लीटेड विथ आयरन एंड स्टील प्लांट्स, टुडे वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। मोस्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स मार्केट देयर स्टील थ्रू स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया दैट इज कॉल्ड सेल। यहाँ तक आप लोग का कंप्लीट हो गया था, नेक्स्ट पैराग्राफ से वी शुड हैव टू स्टार्ट। In the 1950s, China and India produced almost the same quantity of steel. Today, China is the largest producer of steel. One second, I can't see. Today, China is the largest producer of steel. China is also the world's largest consumer of steel. 1950 में इंडिया और चाइना दोनों में सेम क्वांटिटी यानी सेम वॉल्यूम में स्टील का प्रोडक्शन हुआ था मिलियन टन्स में। Today, China is the largest producer of steel. China is also the world's largest consumer of steel. हमारे यहाँ consumption उतना ज़्यादा नहीं होता, जो कि आप लोगों ने पहले भी देखा है iron and steel industry में, लेकिन China जो है world का largest producer होने के साथ साथ largest consumer of steel भी है। China is also the world's largest consumer of steel. छोटा नागपुर plateau region has the maximum concentration of iron and steel industries. It is largely because of the relative advantage this region has for the development of this industry. छोटा नागपुर प्लेट्यू, छोटा नागपुर रीजन आप लोग को पहले ही मैंने बताया था, पेनिनसुलर इंडिया, छोटा नागपुर रीजन। दिस इज योर पेनिनसुलर प्लेट्यू एरिया, छोटा नागपुर रीजन। This is your Malwa ke Pathar and this is your Chota Nagpur region. Maybe this, only this region. Okay. This is the Chota Nagpur region. Only this much. Yeah. Chota Nagpur region, jo hai plateau region, Pathari Chhetra jo hai, has the maximum concentration of iron and steel industries. It means यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको iron and steel industry देखने को मिलती है। आप यहाँ देख सकते हो, ये देखिए, this is the छोटा नागपुर region. Iron and steel industries का maximum concentration भिलाई, बोकारो, बरनपुर, जमशेदपुर, दुर्गापुर, राउरकेला, ये सब concentration जो है छोटा नागपुर region में ही है। Some reasons are there for the location of steel and iron industries in Chota Nagpur is because of the relative advantage. यहाँ पे advantages भी हैं जो location को लेकर होनी चाहिए किसी भी industry की, तो region has for development of industry. यहाँ पे बहुत सारे advantageous factors हैं जो इस industry के development के लिए responsible है। This include low cost of iron ore, high grade raw material in proximity, cheap labor and vast growth potential in the home market. Factors में कुछ factors कुछ इस तरह कैसे हैं, low cost of iron ore, लौह अयस्क का cheap rate जो है, high grade raw material, कच्चा माल जो है high grade, grade का मतलब अच्छी quality का, ठीक है, in proximity यानी पर्याप्त मात्रा में, cheap labor, सस्ता लेबर मिलता है। आप देख रहे हो छोटा नागपुर के आसपास आपके बिहार है, उत्तराखंड का क्षेत्र है, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है, तो इन क्षेत्रों से चीप मात्रा में लेबर भी मिल जाता है, चीप कॉस्ट पे, सॉरी। एंड वास्ट ग्रोथ पोटेंशियल इन द होम मार्केट, और होम मार्केट में ही इसका अच्छा पोटेंशियल जो है देखने को मिलता है। पोटेंशियल मीन्स इसकी ताकत। दो इंडिया इज एन इम्पोर्टेंट आयरन एंड स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, येट आज भी भारत का जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है वो पूरे विश्व में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वी आर नॉट एबल टू परफॉर्म टू आवर फुल पोटेंशियल लार्जली ड्यू टू, कई सारे कारण हैं जिसकी वजह से हम अपनी पूरी योग्यता के अनुसार जो है काम नहीं कर पाते हैं इन सब चीज़ों के लिए, या मतलब चाइना से ऊपर जाने के लिए, या वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन एंड स्टील ओर होने के लिए। रीजन्स आर लाइक दैट, हाई कॉस्ट एंड लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कोकिंग कोल जिसमें ब्लास्ट फर्नेस चलाई जाती है जिसके साथ, तो उसका कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा है और अवेलेबिलिटी जो है वो लिमिटेड है कोल की, कोकिंग कोल की। लोअर प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, लेबर जो है उनकी प्रोडक्टिविटी स्किल जो है वो अच्छी नहीं है, उनको जो है और अच्छी तरीके से जो है उसके लिए ट्रेंड किया जाना चाहिए।
इरेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी एंड पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। एनर्जी सप्लाई यानी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह से रिलेटेड है, अगर इरेगुलर सप्लाई है या इसकी क्वांटिटी अच्छी नहीं है तो भी प्रॉब्लम होती है, प्रोडक्शन पे जो है फर्क पड़ता है। और पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी रोड वगैरह की जो सुविधाएं है, ट्रांसपोर्टेशन जो है, फैसिलिटीज हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर में आती हैं। नेक्स्ट है, वी ऑल्सो इम्पोर्ट गुड क्वालिटी स्टील फ्रॉम अदर कंट्रीज, हावेवर द ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ स्टील इज सफिशियंट टू मीट आवर डोमेस्टिक डिमांड। हालांकि हमारे देश में ही स्टील और आयरन ओर का जितना प्रोडक्शन होता है, उन चीज़ों से निपटने के लिए हमारा आयरन एंड स्टील ओर पर्याप्त है, लेकिन फिर भी हम जो है गुड क्वालिटी का आयरन ओर और स्टील इम्पोर्ट कराते हैं, अगर मैं इम्पोर्ट मतलब आयात कराते हैं। लिबरलाइजेशन एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हैव गिवन अ बूस्ट टू द इंडस्ट्री विद द एफर्ट्स ऑफ प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप। लिबरलाइजेशन मैंने आपको पहले भी बताया था कि ग्लोबलाइजेशन के थ्रू आपको पता चलेगा, लेकिन लिबरलाइजेशन का मतलब होता है टैक्सेशन वगैरह में छूट या विदेशी व्यापार नीतियों के तहत कुछ ना कुछ रियायत करना, उसको लिबरलाइजेशन कहा जाता है। तो लिबरलाइजेशन की वजह से ही, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की वजह से, ये सारे कारणों की वजह से, अब देखिए ये जो टर्म्स है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये आपको इकोनॉमिक्स में पता चलेगा। और अब यही मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के बाद हम लोग जो है इकोनॉमिक्स पे चलेंगे, जहां मनी और क्रेडिट और ग्लोबलाइजेशन, ये दोनों चैप्टर हम लोग एक साथ जो है कवर करेंगे, उसके बाद हिस्ट्री की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप, इसकी वजह से जो है इसमें प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप यानी स्टील और आयरन इंडस्ट्री बेसिकली आपका जो है पब्लिक सेक्टर यूनिट है, लेकिन इसमें भी प्राइवेट कंपनियों का आना जो है वो उसका एक मेन कारण लिबरलाइजेशन और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। देयर इज अ नीड टू एलोकेट रिसोर्सेज फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट टू प्रोड्यूस स्टील मोर कॉम्पिटिटिवली। जरूरत है कुछ ऐसे रिसोर्सेज को कलेक्ट करने की, एलोकेट करने की, ईजाद करने की, जो कि कॉम्पिटिशन में अच्छा स्टील प्रोड्यूस करने की क्षमता रखते हों। एक्टिविटी, दिस इज योर टूडेज एक्टिविटी फॉर होमवर्क। हैव यू रीड अबाउट द कलिंगपुर कॉन्ट्रोवर्सी, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस एंड डिस्कस। सोर्स का नाम लिख के इस कॉन्ट्रोवर्सी के बारे में आपको कम से कम 5 सोर्सेस से आपको ये कलेक्ट करना है कलिंगपुर कॉन्ट्रोवर्सी के बारे में। ये भी आयरन और स्टील इंडस्ट्री से रिलेटेड ही है। ठीक है, आगे हम लोग जो है कल पढ़ेंगे इस चैप्टर के बारे में, जो होगा एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग से रिलेटेड आपका ये चार्ट है। ओके, टिल देन गुड बाय क्लास।